आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आता है एज। एज मोर देन 50 ईयर्स इज़ अ रिस्क फैक्टर। आफ्टर दैट जेंडर, लाइक फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा होता है। इसके बाद है जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर्स, जैसे कि जेनेटिक्स में आता है कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस, जैसे कि BRCA1, BRCA2 या P10 या CHEK2 म्यूटेशंस। ये कुछ म्यूटेशंस हैं जिनके होने से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उससे भी आगे चल के इंडिविजुअल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर किसी को रेडिएशन एक्सपोजर बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स हुआ है तो उसमें भी आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट ओबीज है या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है या फिर पहली प्रेगनेंसी 30 साल के बाद हुई है, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसके अलावा अगर हाईली डेंस ब्रेस्ट हों, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर का।